दोस्तों, आखिर खतरों के खिलाड़ी के सेट से ये क्या अपडेट आ रही है और कौन इस समय इंजर्ड हो गया है दोबारा से और किस वजह से ये सारी बातें जो हैं दोबारा आसिम रियाज पर ही आकर खत्म हो रही हैं। आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदू है। आपको बता दें कि इसके पहले जो खबरें आई थी, जो बातें हुई थी, वो शालीन बनोट को लेकर थी कि शालीन जो है वो उनको स्कॉर्पियो जो होते हैं उन्होंने बाइट किया है एक टास्क के दौरान। वो टास्क कर रहे थे उसी दौरान उनको बाइट किया गया, जो कि उनकी इंजरी दिखी भी। बट अब दोबारा से एक और एक्टर के साथ ऑलमोस्ट नहीं कहूँगा बट इंजरी उनको हुई है, जो कि दिख रहा है क्लियर कट और इतने ज़्यादा रैशेज दिख रहे हैं कि जिसके बाद शो को भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि इसी वजह से आसिम रियाज जो है वो लड़ रहे थे, इसी वजह से उनकी लड़ाई हुई थी। तो अब लगभग वो अपने पॉइंट पे, अपनी बातों पर बहुत ज़्यादा सही थे। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ फ़ोटोज़ और कुछ तस्वीरें। ये फ़ोटो जो है आशीष मेहरोत्रा की है, जो कि अनुपमा में तोसु का किरदार प्ले करते थे। ये आप देख सकते हो, ये बताया जा रहा है, मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये आप देख सकते हो किस तरीके से रैशेज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि हॉर्स राइडिंग वाला कोई टास्क था, कोई हॉर्स स्टंट वाला टास्क था, उसमें ये गिरे हैं और इनको ये जो है इंजरी हुई है। और इसी के चलते, मतलब इसके पहले टास्क ऐसा हुआ था जिसमें आसिम जो है वो हार गए थे और अभिषेक ने टास्क कंप्लीट किया था, बट वहाँ पे मुद्दा आसिम द्वारा ये उठाया गया था कि भाई अगर कुछ इंजरी होती है तो क्या। अब सारे के सारे लोग जो उस समय आसिम रियाज को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि नहीं, आप खतरों के खिलाड़ी में हो, जो कोई बिग बॉस नहीं है, वही सभी लोग दोबारा से इनके फेवर में आते हुए दिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे फिर आसिम का आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा सही था। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताइएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।